नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये महिला पहलवान और इनके साथी पहलवान बीते 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरना दे रही हैं। इनकी सिर्फ एक मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा और गिरफ्तारी की जाए। लगातार अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने वाले ये पहलवान सिर्फ और सिर्फ अभी मायूसी ही बटोर पाए हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही मांग के बाद भी सरकार ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है, जिसकी वजह से अब इन पहलवानों का गुस्सा भी फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में अब किसानों का समर्थन सीधे तौर पर इन पहलवानों को मिल चुका है। साथ ही कई विपक्षी दल के नेता भी पहलवानों को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि गुस्सा यहां पर फूटता हुआ दिखाई दिया है। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा है दिल्ली पुलिस से कि आखिरकार अभी तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वाति मालीवाल इन महिला खिलाड़ियों से मुलाकात करने के लिए जंतर मंतर पर गई थी, जहां स्वाति मालीवाल को ही हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद लगातार स्वाति मालीवाल इस मामले पर अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 11 मई को किसानों ने यह अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार गिरफ्तारी को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाती है तो सीधे सीधे वो पूरे देश भर में ब्रजभूषण शरण सिंह के पुतले फूकेंगे। अब ऐसे में इंतजार इसी बात का लगातार ये पहलवान कर रहे हैं कि क्या अब सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।